बच्चों को पढ़ाना सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। उन्हें पढ़ाते वक्त हमें उनकी स्ट्रेंथ, उनकी वीकनेस और उनके माइंडसेट का ध्यान रखना पड़ता है। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप्स जिनसे आप बच्चों को आसानी से पढ़ा पाएंगे और उनके लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा। आप देख रहे हैं लॉटोलर्न, मेरा नाम है त्रिलेखा। लेट्स बिगिन विथ मैथ्स। जब हम मैथ्स का रिवीजन कराते हैं और बच्चों को हम क्वेश्चंस देते हैं, अगर हम बुक में क्वेश्चंस टिक करके देंगे तो वो सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर लेते हैं, मगर अगर हम वही क्वेश्चंस एक प्लेन पेपर पर सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को मिक्स करके देंगे तब वो कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऐसा अक्सर वर्ड प्रॉब्लम्स में होता है। वर्ड प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ अक्सर ये पूछा जाता है कि एक लड़की के पास 4 पेंसिल हैं, उसने 2 किसी और को दे दी तो कितनी बची। इस तरह के प्रॉब्लम्स को वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं। जब ये वर्ड प्रॉब्लम्स डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन के साथ में होते हैं तो बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होता है। अगर वही प्रॉब्लम्स आप उन्हें चैप्टर में टिक करके देंगे तो वो इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये डिवीजन का चैप्टर है तो इस क्वेश्चन में डिवीजन होगा, ये एडिशन का चैप्टर है तो इस क्वेश्चन में एडिशन ही होगा। तो इस तरह वो लॉजिक ना लगाकर सिंपल वो पैटर्न फॉलो करते हैं जो उस चैप्टर में होता है। अगर आप उनकी सच में प्रैक्टिस कराना चाहते हैं और उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो आप उन्हें एक पेपर पर सारे क्वेश्चंस को मिक्स करके इस तरह से टेस्ट लें जैसा एग्जाम में आता है। इससे उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो कॉन्फिडेंट भी होंगे। बड़े बच्चों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है जब उनके थ्योरम्स, लाइंस, एंगल्स इस तरह के चैप्टर्स होते हैं और वो सारे मिक्स होकर एक साथ क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तब अक्सर उन्हें कन्फ्यूजन होता है। इसलिए उनकी प्रैक्टिस इस तरह कराएं जैसे कि वो सच में एग्जाम दे रहे हैं। बुक में टिक करके कोशिश करें कि ऐसा रिवीजन ना कराएं। अब बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो बड़े बड़ों के पसीने छुड़ा देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश की। वैसे तो आजकल सेकेंड या थर्ड क्लास से ही टेंस पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं, पर पेरेंट्स क्वेश्चन आंसर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ग्रामर पर नहीं। कोशिश कीजिए कि बचपन से ही उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ग्रामर क्लियर होगी, तो वो आगे जाके खुद से क्वेश्चन आंसर्स लिख पाएंगे। अगर उनकी इंग्लिश वीक होगी तो उसका इफेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी होगा। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक बच्चे को मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम करने दिया। मैंने उससे कहा आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, वो नहीं कर पाया। फिर उसी प्रॉब्लम को मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया, उसने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। इसका मतलब ये है कि उसकी मैथ्स वीक नहीं थी, उसकी इंग्लिश वीक थी। उसे वो क्वेश्चन समझ ही नहीं आया था। जब तक बच्चे क्वेश्चन समझेंगे नहीं, वो कैसे जानेंगे कि उस क्वेश्चन में करना क्या है। इसलिए उनकी इंग्लिश पे आपको थोड़ा काम करना होगा। इनिशियली अगर आपको नहीं आता, बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं जो आप देख सकते हैं। मेरे खुद के इंग्लिश के वीडियोज़ हैं। जो भी वीडियो आपके काम का हो उससे आप हेल्प लीजिए और बच्चे की हेल्प कीजिए टेंस और ग्रामर समझने में। पूरी तरह से टीचर्स पे डिपेंड मत कीजिए। अगर अभी आप थोड़ी मेहनत बच्चे पे कर लेंगे तो आगे जाके आपको उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और बच्चों के लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। तो इंग्लिश पढ़ाते वक्त क्वेश्चन आंसर पे फोकस ना करें। आप ये ध्यान रखें कि बच्चों की वोकैबुलरी, ग्रामर, उनके प्रोनंसिएशन वगैरह ठीक हों। बुरा लगता है जब मैं देखती हूँ फोर्थ और फिफ्थ क्लास के बच्चे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, 8 to 10 लाइंस ऐसे टॉपिक्स पर नहीं लिख पाते जो कि बहुत सिंपल होते हैं, जैसे कि पेट, माय फ्रेंड। इसमें गलती उन बच्चों की नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि हमने फोकस क्वेश्चन आंसर्स पे किया है। हमने कभी भी उनके बेस को ठीक करने की कोशिश नहीं की। और अब इतने सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, अब तो हमें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस देख सकते हैं, आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। किसी टीचर पे डिपेंड मत कीजिए, अपने बच्चे के लिए खुद मेहनत कीजिए। बड़े बच्चों को प्रॉब्लम होती है जब उन्हें सिविक्स, हिस्ट्री के लॉन्ग आंसर्स लर्न करने होते हैं। वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि आंसर लर्न नहीं हो रहा। जो भी आंसर सिविक्स और हिस्ट्री में होते हैं, जनरली वो इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि हाउ वाज कॉन्स्टिट्यूशन मेड। इसे अगर आप एक स्टोरी की तरह अपने बच्चे को समझा देंगे तो उनके लिए वो आंसर याद रखना इजी होगा और वो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। पर ध्यान रखें, अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं और बच्चे अगर अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहते हैं तो उन्हें ये समझाएं
कि साइंस में उन्हें चैप्टर से रिलेटेड कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। साइंस में वो कॉमन लैंग्वेज नहीं लिख सकते अगर उन्हें अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। वंस माई डॉटर प्रिपेयर्स एवरीथिंग शी ऑफन आस्क ममा लेट्स डू फाइनल रिविजन एंड आई आस्क एनी थिंग फ्रॉम एनी वेयर वट एवर शी हैज़ लर्न। इट गिव्स मी एन आइडिया वेयर शी नीड्स रिविजन एंड शी टू बिकम्स कॉन्फिडेंट। तो जब बच्चे कहें कि उनका सारा कुछ तैयार हो गया है तो आप उनका एक बार रिविजन टेस्ट रिटन में ले लीजिए, इससे आपकी भी चेकिंग हो जाएगी और वो भी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी आपसे इंग्लिश के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।